नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पैराडाइज कंप्यूटर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिजल्ट को लेकर कि दोस्तों बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा बताइए कि पार्ट वन का रिजल्ट कब आएगा और कौन से बुक से रीडिंग किया जाए, स्टडी किया जाए कि पार्ट टू के एग्जाम के लिए सही ढंग से प्रिपेयर हो जाए। तो आज यही वीडियो मैं बताऊंगा, लेकिन वीडियो के शुरुआत करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे कि मैं जब भी कोई वीडियो डालू तो सबसे पहले आप देख सके। लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि इससे पहले जो वीडियो डाला था मैंने उसमें डाउनलोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, फिर भी कुछ लोग कह रहे कि सर डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो भाई मोबाइल चलाते क्यों है जो डाउनलोड नहीं हो रहा है? मोबाइल में मूवीज देखने आता है, फेसबुक चलाने आता है, डाउनलोड करने नहीं आता है? ये मुझे कमेंट देखने को मिल रहा है, सर बकवास कर रहा है, बकवास लिंक है, बकवास लिंक है, सब लिंक करते जा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में करते जा रहे हैं, सब कमेंट करते जा रहे हैं। जब मैंने डाउनलोड का लिंक दे दिया वहां पे तो सब डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं उसमें डाउनलोड का फाइल दे दूंगा। चलिए बात करते हैं उस वीडियो की ओर। तो इसमें जो पार्ट वन का जो रिजल्ट है, आप कॉपियों का मूल्यांकन समझिए पूरा खत्म हो ही चुका है और आपका जो मूल्यांकन का जो है रिजल्ट का बात किया जाए तो रिजल्ट 15 से 20 मार्च के बीच में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और जो है 15 से 20 मार्च के बीच में रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। अब उसके बाद बात करते हैं कि कौन से गेस पेपर का इस्तेमाल किया जाए, कि आप कौन से गेस पेपर से पढ़ेंगे कि आप जो वहां से आप बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़िया गेस्ट पेपर के लिए आप क्या कर सकते हैं कि मनोरमा प्रकाशन का गेस्ट पेपर ले सकते हैं या रेखा प्रकाशन का जो है क्वेश्चन बैंक आता है वो आप ले सकते हैं। उसमें जो अधिकतर क्वेश्चन जो आप देखिएगा तो प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन लिया गया है, जो पिछला साल जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उससे 50% क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको दिए जाते हैं, उन सारे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। और हाँ, रिजल्ट के लिए रिजल्ट अगर आ जाता है उसके कुछ ही लगभग 15 से 20 दिन ही लगेंगे, आपको एग्जाम भी होना शुरू हो जाएगा सेकंड पार्ट का। तो बढ़िया से प्रिपेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।